हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूबी और रूबी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सरसों का साग खाना तो बनता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए हमने ली है आधा किलो सरसों का साग, और पाव भर ली है पालक की भाजी, और पाव भर ली है हमने भतुए की भाजी। तीनों को हमने अच्छे से धो लिया है और काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको उबालने के लिए एक साथ मिला के उबाल लेंगे इसको। फिर इसमें डालेंगे हम सरसों की भाजी, डाल देंगे पालक की भाजी, डाल देंगे इसमें भतुए की भाजी। हमने सभी भाजी इसमें डाल दी है, तीनों भाजी, और इसमें 3 कप हम पानी डाल देंगे। तीनों को हम उबाल लेंगे। इसी में हमने लिए हैं थोड़े लहसुन की कलियां, इसी में इसको डाल देंगे, और थोड़ी लिया है हमने अदरक जो छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी इसी में डाल देंगे। और अब इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। हमारी भाजी बॉयल हो चुकी है, चलो इसको खोल के देख लेते हैं। बॉयल हो चुकी है, अब इसको हम मैसर की सहायता से पूरा अच्छा अच्छा महीन कर लेंगे। इसको इसी तरह इसको घोटेंगे, पूरा मैश कर लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। देखिए धीरे धीरे कर देखिए हमने इस तरह काफी देर लग गई मैश करने में, इस तरह महीना में मैश कर लिया है। बहुत अच्छे से मैश करना है फ्रेंड, ठीक है। चलो इसका हम तड़का लगाते हैं। हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, अब इसको हम इसमें आधे चम्मच जीरा डाल देंगे। इसको गर्म हो चुका है, जीरा डाल देंगे। इसी में थोड़ी हम हरी मिर्च डाल देंगे। एक छोटी प्याज ली थी, वो भी इसी में डाल देंगे। इसको लाइट ब्राउन तक भूनेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हमने 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी तो उसको महीन पीस लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब कर लेते हैं इसकी अच्छे से भुनाई, इसको अच्छे से ऐसे भूनते रहना है जब तक ये लाल ना हो जाए। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देते हैं। इसमें लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए धनिया का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, और 1 छोटी कटोरी भर के लिए हमने हरी धनिया का पेस्ट, ये डालने से इसमें बहुत स्वाद आ जाता है। इसको मिक्स कर लेंगे, सभी को भून लेंगे।
हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हमें लिए थे मीडियम साइज के 3 टमाटर, वो इसको पीस लिए हैं, वो इसमें मिक्स कर देंगे। इसको भी अच्छे से इसी में मिक्स करके भून लेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से, देखिए कितना अच्छा भुन गया। अब इसी में हम अपना ये साग डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा मिलाएंगे। हमने 3 चम्मच मक्के का आटा लिया है, छोटे 3 चम्मच। अब इसे मिला देंगे जिससे इसमें थिकनेस आ जाएगी अच्छी, फैला फैला नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा। इसी पीस में मिक्स कर लेंगे। इसे हम इसको तड़का लगाएंगे। इसमें थोड़ी सी हम राई डाल देंगे। कुछ लहसुन की कलियां हैं वो भी इसमें डाल देंगे। कुछ लाल मिर्च डाल देंगे तड़के में। थोड़ी सी फिर हम हींग भी डाल देंगे। लहसुन को अच्छा सा लाल होने देंगे, तब तक इसको फ्राई करेंगे। तड़का तैयार है, इसको गैस को बंद कर देंगे और सरसों के साग में इसको डाल देंगे। देखिए हमारा सरसों का साग बन के रेडी है। चलो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सरसों का साग बन के हमारा रेडी है। यदि आपको सरसों का साग पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।